मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बात की और यूएन के सांसदों की जम्मू कश्मीर दौरे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी स्टैंड के साथ हैं और कहा कि जब वहां नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी के सांसद नहीं जा सकते तो डेमोक्रेसी कहां बसती है। उन्होंने इस यूएन सांसदों के इस दौरे को स्पॉन्सर कार्यक्रम बताया। साथ ही विधानसभा परिणाम और ईडी के छापों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी भाजपा और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली दौरे पर गहलोत इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही वे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी का स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल माकूल है। हमारे सांसद जान नहीं पा रहे हैं, नेता पद में जान नहीं पा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जान नहीं पा रहे हैं। डेमोक्रेसी कहाँ है देश के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क है। पूरा मुल्क घबराया हुआ है, चाहे विदेशी सांसद आओ, चाहे उनको ऑफिशियल बुलाओ या अनऑफिशियल बुलाओ, ये नाटक चलने वाले नहीं है। क्योंकि आज यूएन के जो हुमेंट कमीशन जो है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने धज्जा उड़ा दिन की। चाहे कितने ही बार के आके मैनेज कर बुलवा लो, उनसे अप्रिशिएट करवा दो, काम चलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्क आज सुन रहे हैं कि यूएन के बिहाफ पर ह्यूमन राइट कमीशन उनका वो क्या कह रहा है कश्मीर के बारे में, उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। ये बात है, कहने कोई बचता ही नहीं है। पूरे मुल्क के लोग एक होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी खतरे में है, सब लोग दुखी हैं और मेरा मानना है कि ये सही समय है लोगों को आगे आके अपने पास खुल के कहने का। जुडिशरी दबाव में है, CBI दबाव में है, ED दबाव में है, इनकम टैक्स दबाव में है, प्राइवेटली सब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कितना दबाव है। PM होगा कोई सोच नहीं सकते, स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार से दबाव डाल करके उनसे छापे डलवाए जा रहे हैं, उससे वो लोग खुद दुखी हो गए हैं। मीडिया खाली इनका बचाव करता रहता है, वरना ना तो हरियाणा में जीते लोग, ना जीतते हैं महाराष्ट्र के लोग। इनका वोट परसेंटेज कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, फिर भी मीडिया की हिम्मत नहीं खुल के बोल सके। जिस प्रकार के जिस मुल्क में मीडिया खुद ही दबाव में हो, उस मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे बचेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर, आर्थिक स्थिति को लेके जो जनता ने जो सबक सिखाए हैं, इनको जनता इतनी समझदार है, आम जनता का मतदाताओं का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो भाप लेती है कि ये देश की दिशा में जा रहा है। उसके बाद में चाहे राजनीतिक पार्टियों की स्थिति कमजोर है, आर्थिक रूप से कैंपेन कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसी से ध्यान देता है। और आप देखिएगा पब्लिक ने, आम मतदाताओं ने, दोनों राज्यों ने इनको सबक सिखाया। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है, स्थिति कैसी भी आए, इस डेमोक्रेसी रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में मैदान में उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, देश को बचाएंगे, इनके कारण देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लंबे समय से बंद